हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने, जैसे आप लोग यहां पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर देख रहे हैं, इस माउस पॉइंटर का हम लोग स्पीड स्लो या फिर फास्ट कैसे करेंगे। साथ में ये जो माउस पॉइंटर आप लोग बाय डिफॉल्ट दिया जाता है तो ये एरो शेप में दिया जाता है, तो इसका शेप हम लोग कैसे चेंज करेंगे ये आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आते, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहां पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे विंडो बटन प्रेस करना है। विंडो बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे टाइप करना है माउस। माउस टाइप करने के बाद में एंटर कर दो या फिर यहाँ पे माउस सेटिंग पे क्लिक कर दो। माउस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को कर्सर स्पीड ये ऑप्शन दिया गया है। कर्सर स्पीड में आप लोगों को जो आप लोगों का जो माउस पॉइंटर यहाँ पे शो हो रहा है ये कर्सर है, इसे अगर आप लोगों को स्लो करना है तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे स्लो कर सकते हो, या फिर जैसे अगर आप लोगों को इस माउस पॉइंटर को फास्ट करना है तो फास्ट करने के लिए आप लोग यहाँ पे इसे फास्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे पॉइंट के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे जो पॉइंट आप लोग शो हो रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर आप लोग यहाँ पे स्पीड शो होंगे, जैसे यहाँ पे 15 शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर दूंगा स्पीड, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली आप लोगों को जितना भी स्पीड चाहिए आप लोग यहाँ पे स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा बाय डिफॉल्ट स्पीड है 4 का, मैं एज इट इज जैसे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद में जैसे ये माउस पॉइंटर आप लोगों को यहाँ पे शो होता है, इस माउस पॉइंटर का अगर आप लोगों को शेप चेंज करना है तो शेप चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल माउस ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडिशनल माउस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में माउस प्रॉपर्टीज की विंडो ओपन होगी। अब इस माउस प्रॉपर्टीज की विंडोज में जैसे फर्स्ट आप लोग यहाँ पे बटन शो हो रहा है, यहाँ पे इसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई, यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोग बताया था कि अगर आप लोग राइट ही हो तो राइट हैंडेड हो तो वहां पे आप लोग क्या करते हैं, इंडेक्स फिंगर से लेफ्ट क्लिक करते हो और मिडिल फिंगर से वहां पे राइट क्लिक करते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग लेफ्ट हैंडेड हो, लेफ्टी हो, तो वहां पे आप लोगों को अगर इंडेक्स फिंगर पर लेफ्ट क्लिक करना है और मिडिल फिंगर पर राइट क्लिक करना है तो वहां पे हम लोग कैसे क्लिक करेंगे, वहां पे जो बटन से स्वाइपिंग कैसे करेंगे उसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई थी, उसके रिलेटेड ये सेटिंग थी बटन कॉन्फिगरेशन की। उसके बाद में जो आज का वीडियो, जैसे आप लोग ये जो माउस पॉइंटर यहाँ पे शो हो रहा है इसका एरो का शेप अगर आप लोगों को चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे पॉइंटर्स में। पॉइंटर्स में आने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे कस्टमाइज में आप लोगों को अलग अलग शेप यहाँ पे शो होंगे, तो यहाँ से आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्कीमी में यहाँ पे आप लोग क्लिक करने के बाद में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नन है, तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जिसपे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख रहे शेप यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी शेप आप लोग चाहिए उसके ऊपर क्लिक कर दो, यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल डाउन करके आप लोग अपने अकॉर्डिंगली चॉइस करते, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ पे जैसे नन तक नन ही रख देंगे। नन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को अलग अलग शेप चाहिए, तो अलग अलग शेप के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे फर्स्ट 3 जो यहाँ पे शेप शो हो रहे हैं ये एरो के शेप है। उसके बाद में बिजी, जैसे आप लोगों को वेटिंग वगैरह लोडिंग के लिए जैसे आप लोग यहाँ पे शेप चेक करते हैं ऐसे शेप चाहिए तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जितने भी शेप है, जैसे मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पे शेप्स है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो भी शेप आप लोग चाहिए आप लोग चॉइस कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं एरो बिजी इसी का शेप ले लेता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक करने के बाद में सिर्फ आप लोगों को ओपन पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक करने के बाद में अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये जो शेप है अप्लाई हो जाएगा, जैसे अप्लाई करने के बाद ओके कर देना और ओके करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो शेप आप लोगों ने लिए थे वहां पे वो अप्लाई हुआ है। उसके बाद में जैसे अगर आप लोग अलग अलग शेप चाहिए तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली वहां पे ब्राउज ऑप्शन में जाके जो भी शेप चाहिए उसके ऊपर सिर्फ क्लिक करना है, अप्लाई करके ओके करना है, तो शेप आप लोगों का जो भी कर्सर है जो माउस पॉइंटर है उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही माउस पॉइंटर के बारे में आप लोगों को बताना था कि इस माउस पॉइंटर का हम लोग स्पीड स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं। साथ में ये जो माउस पॉइंटर आप लोगों को दिया जाता है बाय डिफॉल्ट एरो में रहता है, ये एरो शेप से, ये एरो शेप को हम लोग अलग अलग शेप हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे ये भी आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताया। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।